आपूर्ति की कमी के कारण देश भर में प्याज की कीमत बढ़ गई है। मौसम के कारण खरीफ प्याज की बुआई में देरी होने की वजह से कम पैदावार हुई। रबी की फसल के वक्त की स्टॉक में रखी हुई प्याज के खत्म होने और खरीफ की प्याज आने में देरी होने की वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि थोक और खुदरा दोनों बाजारों में कीमतें बढ़ रही हैं। प्याज की कीमतें वर्तमान में 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच चल रही हैं, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को दोनों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। प्याज का रेट हाई होने के कारण है, फसलें पिछले थोड़ी कमज़ोर हैं। जो नई फसलें आनी थी वो अभी आई नहीं है, वो थोड़ा लेट है। बाकी आने वाले दिनों में ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी, 15 दिन में बाजार डाउन हो जाएगा। अभी रेट समझो होलसेल का क्या नाम है 45 से 55। प्याज पहले 30 रुपये किलो थे, बाकी एकदम से उछाल आया तो 60 रुपये किलो लगभग लगभग होलसेल में हो चुके हैं ये। और प्याज और आगे बढ़ने की संभावना है, अभी चारों तरफ प्याज की हाहाकार मच रही है। आज प्याज 60 का होलसेल तुला है और 60 का ही रिटेल बेच रहे हैं हम लोग। कस्टमर को देने में बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को, जिसको जरूरत पड़ रही है वो तो ले ही जा रहा है, बाकी जो आ रहे हैं कस्टमर वो भाव पूछ के जा रहे हैं। बजट में तो बहुत ही दिक्कत है, पंजाबी खाना तो बिना प्याज के बनता नहीं, तो हर चीज़ में प्याज, हर मसाले में प्याज डलता है, सलाद में प्याज डलता है, तो अब आम आदमी कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कैसे करेगा, कुछ समझ नहीं आता। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि कीमतें 2 और 3 दिनों से ही बढ़ी हैं और अभी आपूर्ति में कमी की वजह से कीमतें कम होने के आसार नहीं है। रेट है 70 रुपये किलो की, जी जी 70 भी है, 80 है, 90 है, हर तरह की प्याज है। ग्राहक महंगा देख के वापसी लौट रहे हैं, इतनी महंगी कौन लेगा। महंगा आगे से स्टाफ आ नहीं रहा है, माल आ नहीं रहा है, स्टॉक लगा रहे हैं, इस करके महंगा हो रहा है। महंगे बड़ा है ना, अभी माल नहीं है, उठा ज़्यादा है अभी, इसलिए भाव बढ़ेगा अभी। तो और प्याज का बहुत बुरा पड़ रहा है, पहले आज की 15-20 दिन पहले प्याज 20 से लेकर 25-30 तक प्याज बिकता था, अब प्याज 60 से लेकर 70 रुपये किलो का हो गया है। ग्राहक जो 1 किलो लेता था वो 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक लेता है, जहाँ हम लोग 10 बोरी लेते थे वहाँ 2 बोरी पे आ गया है। और दिनों दिन रेट प्याज के बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए इस बारे में। सरकार ने घरेलू बाजार में सब्जी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के मकसद से शनिवार को इस साल 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP लगाया है। ये फैसला रविवार से लागू हो चुका है। सरकार ने बफर के लिए अलग से 2 लाख टन प्याज की खरीद की भी घोषणा की है, जो कि पहले से खरीदे गए 5 लाख टन से ज़्यादा है। MEP बेंगलुरु रोज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर प्याज की सभी किस्मों पर लागू है। प्याज तो इस टाइम 70-80 रुपए किलो बिक रहा है, और पहले 20-15 रुपए किलो था। तो रसोई से प्याज गायब है कि मौजूद है? अरे अब लेने में लाले पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बजट आप लोग का बिगाड़ रही है। अरे बजट जेब से पैसा गायब हो रहा है। प्याज के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और बाकी सब्जियों में भी काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ा हुआ है इन सब का, और इन दाम की वजह से किचन में काफ़ी बजट गड़बड़ा गया है। और मुझे लगता है कि मेरी तरह बाकी गृहणियाँ भी परेशान हो रही होगी, क्योंकि बजट तो सभी का गड़बड़ाया है। बढ़ती कीमतों की वजह से प्याज रसोई के अंदर और रसोई के बाहर दोनों जगह ही रुला रही है।